आठ महीने देर से शुरू हुए एमसीडी के चुनाव में अब पब्लिक का मूड क्या है ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 189 जाकिर नगर से। हालांकि यह महिला सीट है लेकिन यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं शुएब दानिश जो पूर्व काउंसलर थे उनकी पत्नी। क्या कहती है जनता एक बार हम जानने की कोशिश करते हैं और उनसे ही जानेंगे कि क्या है उनका मिजाज इस चुनाव को लेकर। क्या नाम है आपका? इमरान चौधरी। इमरान, क्या मूड है इस बार, क्या लग रहा है? सर, मूड तो इस बार बिल्कुल कांग्रेस का है और हमेशा से यहाँ से पिछले 15 साल से कांग्रेस 15 साल से यहाँ से कांग्रेस का है। उसके पीछे एक वजह है, आम आदमी पार्टी की अभी मैं एक स्पीच सुन रहा था तो उन्होंने एक मुद्दा उठाया जो हमारी यहाँ के रॉ के प्रेसिडेंट हैं मार्केट एसोसिएशन के, वो पता नहीं इलेक्टेड नहीं है लेकिन वो सेल्फ इलेक्टेड है, तो उन्होंने उनके एक मुझे क्वेश्चन पे बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि हम इस बार अगर एमसीडी में ये वाला वार्ड जीतते हैं तो हम सबसे पहला जो ध्यान देंगे वो देंगे कूड़ेदान पे। तो सर, आप मीडिया वाले हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अबुल फजल अल शिफा के सामने जो कूड़ेदान है उसकी चर्चा हर मीडिया चैनल पर आई है। पार्षद भी आम आदमी पार्टी का है वहाँ पे, विधायक भी आम आदमी पार्टी के हैं वहाँ पे। अगर हम उनको वोट देते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को, हम इस वार्ड को अल शिफा वाला खत्ता नहीं बनाना चाहते। हम कहीं से कहीं तक भी उसकी कंपेयर इस वार्ड से नहीं की जा सकती, जबकि यहाँ पे जो पार्षद हैं वो कांग्रेस के हैं और वहाँ पे पार्षद आम आदमी के हैं, विधायक भी आम आदमी के हैं। तो इस बार किस फिर कौन, कांग्रेस ही या फिर आम आदमी पार्टी? कांग्रेस, शुएब दानिश। शुएब दानिश साहब, शुएब दानिश साहब, बिल्कुल। 15 साल से क्या अभी तक जो काम थे पार्षद के, चाहे वो नालियों की सफाई हो, सीवर की सफाई हो, कूड़े का, वो काम सही हुआ है? बिल्कुल हुआ है भाई साहब। हमने जब आधी रात को बुलाया तो आधी रात को हाजिर हुए हैं। अच्छा जी, बिल्कुल शुएब दानिश साहब जो है वो बिल्कुल राइट है। ओके, चलिए यहाँ से तो अभी फिलहाल शुएब दानिश ज्यादा आवाज है। आप बताएं आपको क्या लगता है, किसके, आम आदमी पार्टी, MIM या फिर शुएब दानिश? शुएब दानिश काउंसलर रहे हैं, उन्हीं की जो बेगम है नादिया दानिश, वही यहाँ से इलेक्शन जीतेंगी। 15 साल के अंदर शुएब दानिश जी को जो प्यार जनता ने दिया उसको बाकायदा उन्होंने पूरा किया और जो यहाँ पर विकास रुका है वो जब से रुका है, जब से आम आदमी पार्टी का विधायक यहाँ बना है, जब तक यहाँ पर कांग्रेस का MLA रहा है, चाहे परवेज हाशमी रहे हों चाहे आसिफ मोहम्मद खान रहे हों, इस एरिया में विकास रहा। लेकिन जब से यहाँ पे झाड़ू आई है उस झाड़ू ने पूरे विकास को झाड़ू फेर दिए। लिहाजा मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो शीला दीक्षित जी ने और जो संदीप दीक्षित जी ने इस इलाके का विकास किया, ऐसा विकास ना आज तक कभी हुआ है। और मैं ये कहता हूँ अगर ये झाड़ू वाले रहे तो आगे होने वाला भी नहीं है। चलिए, ये झाड़ू के खिलाफ है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। आपको क्या लगता है, आप क्या शुएब दानिश, आम आदमी पार्टी या फिर MIM क्या है? दानिश भाई जीते हुए चुनाव यहाँ से 200% जीते हुए। वार्ड नंबर 189 में क्या है पब्लिक का मूड इस वक्त? मेरे साथ यहाँ के काउंसलर, अभी तो फिलहाल पूर्व काउंसलर हैं क्योंकि 8 महीने का गैप हुआ वरना काउंसलर पिछले काउंसलर थे, शुएब दानिश मौजूद हैं कांग्रेस से। इस बार ये चौथी बार है शायद दानिश भाई आपको? जी, चौथी बार। कांग्रेस को ऐसी कौन सी गुट्टी आपने पिलाई है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब चौथी बार टिकट, क्योंकि अमून बहुत से लोगों का टिकट कट जाता है। देखिए, फील्ड में रहने वाला आदमी जो आवाम के बीच में रहेगा, ना उसका टिकट कटेगा ना वो हारेगा। और जगह तो टिकट बिक रहे हैं ना, कांग्रेस में तो बिक नहीं रहा, और जगह टिकट बिक रहे हैं, हम करोड़ों रुपए का टिकट बिक रहे हैं। हम जनता के बीच में रहते हैं और इसलिए पार्टी हमें टिकट देती है। हम अपना बायोडेटा तक नहीं देते जाके, हम अपनी सिफारिश नहीं लगाते, सब सर्वे होता है और आपकी दुआ से पास होते हैं सर्वे। जाहिर सी बात है, पिछले 15 साल 8 महीने से जो वार्ड नंबर 189 है उसके पार्षद है शुएब दानिश। काम की बात करेंगे, मुद्दों की बात करेंगे और जनता की बात करेंगे। सबसे पहले जनता की बात कर लेते हैं, मिजाज क्या है इस वक्त, क्या लग रहा है इस बार, फाइट है नहीं है, आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है? वेव है कांग्रेस की और ज़्यादातर मुस्लिम एरिया में तो वेव है। कहीं भी चले आइए आप, शाहीनबाग चले आइए, ये ले लीजिए, रिकॉर्ड मार्जिन से ये सीट जीतेगी, मैं आपसे दावे से कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। फिर एक बार रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से इंशाल्लाह जीतेगी। शुएब दानिश सिर्फ काउंसिल ही रहना चाहते हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि 3 टर्म हो चुके हैं, 4th टर्म भी अगर आप जीत के चले गए तो? मुझे अच्छा लगता है काम करना आवाम के बीच में रहकर, अगर बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देगी, आवाम मुझे चाहेगी तो मैं आगे भी। पार्टी में तो अमूमन ये जब हमारी बात होती है तो वो खुद ही नहीं निकलना चाहते बाहर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बड़े बड़े लोग ऊपर से भी आ जाते हैं, लेकिन जब पार्टी जिम्मेदारी मुझे देगी मैं वो करूँगा। बिल्कुल,
ये तो बात हुई, अब जनता की बात कर लेते हैं, मुद्दों की बात कर लेते हैं। आपको लगता है कि इस वार्ड में मेन सबसे अहम मुद्दा क्या है आपकी नज़र में, जो आप नहीं कर पाए और करना चाहते हैं? देखिए, सीवेज प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, पानी की दिक्कत सबसे ज़्यादा है, और दो इस मुद्दे पे हमने काम किया था और उसमें हमें संदीप दीक्षित जी ने भरोसा दिया। हमने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, सबवेल प्लांट के लिए DDA से जगह लेकर हैंडओवर दिल्ली सरकार को 2013 में कर दी थी। जो काम सबसे पहले करना चाहिए था वो आज तक शुरू भी नहीं हुआ अभी ढंग से काम। हमने धोबी घाट के ऊपर जगह हैंडओवर कर दी DDA से लाकर दिल्ली गवर्नमेंट के, हमारे पास डॉक्यूमेंट भी हैं 2013 के, हमारे पास डॉक्यूमेंट है। हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी भी हो कि हमारे इलाके को अच्छा स्वच्छ पानी मिले, गंगा वाटर मिले, उसमें हमारे लिए संदेश। तो पार्षद का काम नहीं होने, तो अब विधायक के लेवल पे या गवर्नमेंट के लेवल पे आपके अपने जो मुद्दे हैं अपने लेवल पे हैं, जैसे सड़क हो गया, अब सफाई हो गई, कूड़ा हो गया, कूड़ा घर यहाँ पे नहीं है, एक कूड़ा घर या अजीम डेयरी में ही है। देखिए, हमने खैदराबाद के ऊपर कंपैक्टर लगाया हुआ है, एक हमारा ये ढलाव, इसको हम नया बनवा रहे हैं, जल्द से जल्द 1-1.5 महीने में काम शुरू हो जाएगा। इसको हम शटर वाला बनवाएंगे क्योंकि ऊपर हाई टेंशन वायर है, इसलिए वहाँ कंपैक्टर लग नहीं सकता, ओपन नहीं हो सकता जी, हाँ उस पर। दूसरा और बहुत सीधा सा सवाल एक ये है कि यहाँ के लोगों का अवैध है कि शोएब दानिश साहब आदमी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब चुनाव आता है 6 महीने पहले जानते हैं, उससे पहले नज़र नहीं आते काम को लेकर, चाहे वो सीवर की बात हो, चाहे सफाई की बात हो, चाहे कूड़े की बात। मैंने 8 महीने इलेक्शन पोस्टपोन हो गया, सारे नेता भाग गए, सारे पोस्टर भाग गए, सबकी बीवियाँ उतर गई, नीचे गिर गई, मैं तो सड़क पर। बीवी की पोस्टर उतर गए, बीवियाँ थोड़ी ना उतरी, पोस्टर ही कहा है मैंने, सबके पोस्टर नीचे गिर गए, मैं सड़क पर ही था। उस 8 महीने में हर हफ्ते की 2-3 वीडियो मैं आपको दे सकता हूँ, चैलेंज से। मैं पब्लिक के बीच में रहता हूँ, ऐसे थोड़ी ये मैं बाहर से बसें भर के लेकर आया हूँ, मैं बसें भर के नहीं लाया कहीं से भी। नहीं, ये तो आप बहुत पुराने हैं, क्योंकि अमन आपका कॉलेज भी जामिया से ही है, आप पुराने रहने वाले हैं, तो एक सर्किल तो आदमी का होता है। दूसरी बात, आप 15 साल से सिटिंग काउंसलर हैं, तो जाहिर सी बात है एक जो आपका सर्किल तो हो रहेगा। विधायक साहब भी तो हैं, विधायक साहब भी तो लोकल है ना, बहुत जोर लगा रहे हैं ना। मैंने पिछली बार भी चैलेंज किया था केजरीवाल साहब को, इस बार भी चैलेंज करता हूँ। तो अच्छा, क्या लगता है फाइट किस में है? 3 लोग यहाँ मेन नाम है, एक तो आप मेन है सबसे आगे, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने झाड़ू से आरिफ खान को दिया, और MIM से लड्डन लड़ा। कोई भी हो, जो पार्टी में थे उन्हें नहीं दिया उन्होंने, जो पार्टी में थे जो वर्क कर रहे थे उन्हें नहीं दिया। अगर उनको मिलता तो फाइट नेक टू नेक होती है। मैं अगर कोई कैंडिडेट कमजोर से कमजोर भी होगा ना, तो अभी इलेक्शन जमीन पर रहकर लड़ूंगा, पब्लिक के संपर्क करूंगा, आई कॉन्टेक्ट करूंगा, हर आदमी के घर जाऊंगा, मैं सबसे मिलूंगा। आपने एक चीज, बुनियादी मुद्दे जिस तरीके से होते हैं उसको लेकर हम वार्ड नंबर 188 में अभी दूसरी जगह आए हैं, कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी दिक्कतें हैं, चाहे वो कूड़े की हों, चाहे वो सीवर की हों। रात का वक्त हो गया है, लेकिन चुनाव का माहौल है, इसलिए हर गली में आपको 10 से 20 लोग मिल जाएंगे, हमें भी कुछ ऐसे लोग मिले। आप पूरा नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम जो है रफत खान और भूरा है, भूरे के नाम से ही मुझे लोग जानते हैं। तो भूरे भाई, हम आपको कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि 15 साल से कांग्रेस के पार्षद हैं, अब के हालात क्या हैं, अब का मिजाज क्या है, यहाँ पर मूड क्या है पब्लिक का? देखिए, अब का मूड जो है यही है कि हम लोग जो है MIM को सपोर्ट करेंगे, और उसके पीछे की वजह, उसकी वजह है क्योंकि शुएब दानिश साहब जो है 15 साल काउंसलर रहने के बाद भी आज भी लोगों के जो गेट हैं उन पर कूड़ा और कचरा पड़ा हुआ है, हर गली में ढक्कन टूटा हुआ है, एक एक गली में 10-10, 11-11 ढक्कन टूटे हुए हैं, और डेली का ये काम है कि अगर वहाँ से मोटरसाइकिल निकलती हैं तो 2-4 लोगों का एक्सीडेंट ढक्कन टूटने की वजह से होता है। जब वो 15 साल में ये नहीं संभाल पाए तो ऐसे काउंसलर का हमें क्या करना है, आगे ही वो क्या करेंगे? अब तो ये हमने जो सोच लिया कि चेंज, अब जो है बदलाव, अब पूरा बदलाव, बदलाव कि भाई नया काउंसलर लाओ, नया क्या करता है उसे भी देखते हैं, अगर नया ने कोई काम आगे नहीं करा तो उसे भी चेंज करेंगे, लेकिन हर बार चेंज करेंगे। तो इस बार फिर किसका वार्ड में, इस वार्ड में किसका लग रहा है पल्ला भारी है? देखिए, पल्ला भारी जो है वो MIM का है, और लड्डन साहब है, लड्डन साहब रहेंगे। आपका क्या कहना है, किसका पल्ला भारी लग रहा है? मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ आज़मी है। आप अपने कैमरामैन को कहिए कि सामने का इलाका दिखा दें, क्या हालात हैं यहाँ के। 15 साल सिर्फ इस बात पर डरा कर वोट लिया जाता रहा कि BJP आ जाएगी। यहाँ BJP का क्या मसला है? हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं वो दलित और मुसलमानों को साथ लेकर चलने वाले हैं। हम इस मुल्क में रह रहे हैं, इस मुल्क के हैं भाई, हमसे हमें डराने की क्या ज़रूरत है आपको? हम ये कहते हैं आप मुद्दों की बात करो, आपने 15 साल में क्या काम करा उन मुद्दों की बात करो। आज के हालात ये हैं कि कोई आदमी मस्जिद जाता है तो वो नापाक हो जाता है,
कोई आदमी मंदिर जा रहा है नापाक हो जाता है मंदिर और मस्जिद जाते हुए, हालात ये बने हुए हैं। हमें हम लड्डन साहब जो MIM के कैंडिडेट हैं, मुझे ये उम्मीद है और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से कि वो एक तरफ़ा पोलिंग उनकी हो रही है इस बार और वो जीते हुए कैंडिडेट हैं, और हमें अपने कैंडिडेट पे इतना ज़्यादा भरोसा है कि जीतने के बाद जो शख्स पाक होकर घर से निकलेगा और पाक होकर मस्जिद जाएगा और पाक होकर ही मस्जिद से वापस आएगा, बीच में ना तो उसके पैर गंदी नालियों में पड़ेंगे ना गंदे पानी में पड़ेंगे, बिल्कुल पाक। आप लोगों को क्या लगता है इस बार बदलाव होगा, कितना होगा और उम्मीदें क्या हैं? इंशाल्लाह बदलाव होगा, और देखिए बातें बहुत सारी हैं, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। और मैं किसी भी सिटिंग वार्ड काउंसलर या सिटिंग MLA में किसी की तनकीद नहीं करना चाहता, किसी के बारे में नहीं बोलना चाहता, बट इतना जानता हूँ कि राजनीति जो सियासत होती है वो तीन चीज़ों से होती है, वो सिर्फ जैसे फिल्म चलती है इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट, वैसे सियासत काम काम और काम, पब्लिक काम को पसंद करती है। और हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि हम एक ऐसी पार्टी है जो शेर हिंदुस्तान है, शेर हमारा जो हमारे ओवैसी साहब हैं उनके लिए एक शेर मैं बोलूँगा कि नहीं तेरा नसीबन कश सुल्तानी के गुंबद में, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो हम बहुत अपने आप को लकी समझते हैं कि हम वोट और सपोर्ट हम लोग ओवैसी साहब को कर रहे हैं। अब लड्डन भाई पर हवा की बात, जब भी मैं अभी ऑफिस से आ रहा था बटलाव चौक पर, तो अगर हवा किसकी हवा किसकी हवा किसी, तो मेरा मानना हवा जो है ना, हवा किसी की नहीं होती, हवा मुख्तलिफ होती है, हवा बदलती रहती है। कभी मुत्तहिद हो तो बदल डालो इस निज़ाम को, और जो बिखरे हुए हो तो शोर मचाते क्यों हो। ये शेर अमूमन कई बार सुनने में आता है, वो इस वजह से कि जब कौम की बात हो, एक साथ होने की बात हो, इकट्ठा होने की बात हो या मजबूत होने की बात हो, तब इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं एक मतलब एक मायने नज़र आता है। पब्लिक का मूड क्या है जानने के लिए वार्ड नंबर 189 में पहुंचे हैं, और इस वक्त मेरे साथ AIMIM के उम्मीदवार कौसर इमाम सिद्दीकी मौजूद हैं। हालांकि ये जो है महिला सीट है और इनकी वाइफ यहां से चुनाव लड़ रही हैं, वो उम्मीदवार हैं। कौसर इमाम सिद्दीकी की अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इलाके के मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग इनको जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन चुनाव बुनियादी मुद्दे क्या हैं चुनाव में और किन मुद्दों पे ये चुनाव लड़ रहे हैं, हम खुद कौसर इमाम सिद्दीकी से जानना चाहेंगे। कौसर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, तीन चीज़ों पे रहेगा, एक तो मुद्दे क्या हैं, जनता मूड क्या है, मिजाज क्या है लोगों का, और आप चुनाव किस तरीके से लड़ रहे हैं, जो हालात हैं। मतलब आपके पोस्टर पर नारा था कि जज्बात या हालात अब फैसला आपका, तो वो किन सब चीज़ों को लेकर था, उन्हीं सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले चुनाव लड़ने की जो एक प्रक्रिया थी, क्योंकि आपका जो पहले पार्टी थी उससे आगे आपके साथ कई सारे मसले हुए, उसके बाद अब क्या माहौल नज़र आ रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह माहौल पहले से बहुत अच्छा है, मेरे सोच से ज़्यादा लोगों का समर्थन मिल रहा, और वो समर्थन सिर्फ इसलिए मिल रहा कि लोग जो यहाँ के काउंसलर थे उसकी बगावत कर रहे हैं, उसकी बगावत इसलिए कर रहे हैं कि 15 सालों में उन्होंने जो इलाके का हालात बनाया है उस हालात को देखते हुए लोगों का समर्थन मेरे साथ है, और मेरी उम्मीदवारी जिस भी पार्टी से थी चुनाव तो लड़ना था, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की वजह से जो लोगों को प्यार मिला और ये जो पार्टी मिली, ये मेरी किस्मत है कि मैंने उस पार्टी को ज्वाइन किया जो पार्टी हमेशा सच और सच का राह दिखाया हो और अपने वजूद के लिए हर सामना को अपने मजबूती के साथ बोल कर भी पूरा किया हो और करके भी दिखाता है। इस ओखला के आवाम जो है वो आज के डेट में हमारे साथ नहीं है, हमारे बलिस्टर उस वैसी साहब के साथ है, वो सिर्फ इसलिए है कि उसकी वजह यह है कि उन लोगों को पता है अगर अकेला कोई आवाज़ उठा रहा है, अगर अकेला कोई आवाज़ दे रहा है हमारे लिए, तो वो सिर्फ हमारी कौम के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए। इसलिए मुझे उम्मीद है कि ओखला के तमाम, हमारे वार्ड के तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो काउंसलर का पद है वो बहुत बड़ा पद नहीं है, मगर जो हमारा प्रेजेंट काउंसलर है 15 साल में जो उसने काम किया है उसका रिजल्ट आप लोग 4 को देना, और 7 को जो रिजल्ट आएगी वो आपका रिजल्ट अपना होगा। ये इस वजह से तो नहीं कि आप असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं,
मुस्लिम बहुलित क्षेत्र है ये, इस वजह से एक जो भावनात्मक जुड़ाव कह लीजिए आप, या वैसा लगाव कह लीजिए, कौम के नाम की जो बात होती है, उस वजह से आपको ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा? ओखला में पहले क्या होता था कि कांग्रेस पार्टी थी तो बीजेपी के खाते में ना चला जाए तो कांग्रेस को लोग, मतलब ये तो बीजेपी से भी ज़्यादा खतरनाक है पार्टी, बीजेपी के नाम पर वोट लेती है हमसे, हमारे ही वोट में कटौती करती है, हमारे ही वोट को सेंध करती है, ये सेंधमारी करती है हमारे वोट को बीजेपी से। अब आ गए आम आदमी पार्टी, अब आम आदमी जो पार्टी है, अब ये कांग्रेस आम आदमी पार्टी की लड़ाई है। हमारी लड़ाई कौन लड़ रहा? हमारी लड़ाई कोई लड़ रहा? ओखला की लड़ाई नहीं, हिंदुस्तान में हमारे किसी भी भाई की लड़ाई कोई भी नेता पक्ष विपक्ष का सामना कर रहा सिवाय एक आदमी के? आप बताओ, ये ओखला में ही लोग डरवा रहे हैं मुसलमानों को कि तुम्हारा वोट बट ना जाए, तो कहाँ मुसलमान, अब वोट नहीं मुसलमान बांटेगा, अब मुसलमान उसको वोट देगा जो उनके बीच में रहेगा, जो उनके लिए आवाज़ उठाएगा। मैं वो इंसान हूँ कि अपनी गंदगी क्या, मैं दूसरों का भी गंदगी देखता हूँ तो सोचता हूँ उसको समझा दूँ, साफ कर दूँ, तो इलाके को क्या, इलाके का तो मिसाल बना दूंगा, 250 वार्ड को अगर 249 वार्ड से नंबर वन वार्ड नहीं बना दिया, काउंसलर पद का त्याग पत्र दे दूंगा। क्या बात, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, चैलेंज दे रहा हूँ पेपर पर लिख के। वैसे भी हमारी पार्टी ऐसी है, दरवाजे पे जाकर लॉक करती है, काम पूछती है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 250 वार्ड का 249 वार्ड से नंबर वन वार्ड अगर अपना वार्ड नहीं बताया तो लिखित त्याग पत्र दूंगा, ऐलान करके दूंगा। मैं वो लड्डन हूँ, मैं वो पब्लिक का सेवक हूँ, और मैं वो प्यार लेने वाला, प्यार देने वाला इंसान हूँ। चलिए, तो आने वाला वक्त बताएगा, 4 तारीख को जब चुनाव होंगे, वोटिंग होगी, जनता का रुख क्या होता है, उनका मिजाज किस तरीके से देखा जाता है, क्या 15 साल पर लड्डन मियाँ भारी पड़ेंगे या फिर आने वाले दिन में तस्वीर कुछ और होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दिल्ली में साफ़ सफाई या कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी एमसीडी के ऊपर है। पिछले लंबे वक्त से एमसीडी सत्ता में काबिज है। जिस वार्ड में मैं खड़ा हूँ, ये जाकिर नगर का वार्ड नंबर 188 है। पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूँ, ये कूड़ेदान है और इस वार्ड में इकलौता कूड़ेदान है। इलाका बड़ा है, लोगों की ज़रूरतें ज़्यादा हैं, यहाँ पर कूड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन ये इकलौता कूड़ेदान है जहाँ पर ये कूड़ा पड़ा रहता है। लोगों की शिकायत ये है कि अभी आपको ये रोड के थोड़ा सा साइड में नज़र आ रहा है, अगर 2 घंटे बाद, अभी 12:30 बज रहे हैं, अगर आप ये 2 से 3 बजे के आसपास आएंगे तो ये रोड भी ब्लॉक होता है। इसकी वजह से यहाँ के जो रहने वाले स्थानीय लोग हैं उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी और अहम तस्वीर, ये आप बोर्ड देख रहे हैं, ये दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का बोर्ड है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है। बोर्ड पर क्या लिखा है पहले गौर से वो पढ़िए, यदि कहीं गंदगी या कूड़ा देखें तो फोटो खींचकर उस स्थान के नाम पर व्हाट्सअप करें, कंप्लेन करें। अब अंदाज़ा ये लगाइए, इसी बोर्ड के नीचे ये कूड़े का ढेर है, इसकी फ़ोटो खींच के कहाँ पर व्हाट्सअप करनी है, ये शायद यहाँ के अधिकारी ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। जब एमसीडी ऑफिस के बगल का कूड़ा नहीं उठ रहा तो और इलाकों में कूड़ा किस तरीके से उठता होगा, इसका आपको अंदाज़ा हो गया होगा। ये पूरा कूड़ेदान है, यहाँ पर आपको बिल्कुल पूरा है, अभी भी यहाँ पर खड़े होने की स्थिति में नहीं है। क्या ये यहाँ पर कूड़ा उठता है रोज़ या नहीं है, कितना है? उठता है पर ये आगे पीछे आते रहता है, ऐसे रहता है, मतलब ऐसे ही रहता है, ये खास नहीं है, नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे अधिकारी बैठे हैं, यहाँ पे ऑफिस है पूरा एमसीडी, कोई नहीं सुन रहा, चालान काट देते हैं, फटता आकर तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। किस चीज़ का चालान काटते हैं? ये देखो सारा गंदा खाना, ये हटी नहीं रहा, कितनी बार हुआ, ये कूड़ा खाना है, कुछ नहीं हट रहा है। ये एमसीडी ऑफिस के बाहर कॉर्नर पर ये पूरा कूड़ा पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, पूरा मलबा पड़ा हुआ है, ये उसी क्यों नहीं है। यहाँ पर लोगों के हालत ही हो गए। चाचा ये रोज उठता है कूड़ा ये? अरे कहाँ रोज न उठाता हो, या तो तीन बार उठा ले जब भी इतना ही हो जाता, बदबू बैठी हुई है, इन बीमार पड़े हुए हैं, यार देख रहे हो क्या हालत हो रही है। आप यहाँ अंदर ऑफिस में अधिकारी, आप उनसे बोलते नहीं इस तरीके के? अरे सब अधिकारी देख रखे हैं, हम ये बहुत कम है, शाम तक जो है ना, शाम तक ये पूरा रोड ब्लॉक हो जाएगा। कोई नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा, सब अपनी ऐसी करावे ही तक, देख अभी तो भरेगा ये यहाँ तक। अच्छा, अभी और भरेगा? हाँ, और ये गरीब आदमी इनका ऐसा तैसी कर रखती है, गरीब ने खान का मान ना दे रहे, बताओ ये कौन सा तरीका। तो इसकी आप लोगों ने यहाँ पे काउंसलर हैं उनसे बात की? अरे सबसे कर रखे सब, ये कई कमीन हो गए क्या, क्योंकि होगा ठेकेदार, इसकी जिम्मेवारी है। यहाँ पे आप लोग लोकल हैं, इसकी शिकायत ऊपर तक नहीं की आप लोगों ने? बाबू ऊपर तक हमने बहुत कर रखे, कोई सुनवाई नहीं करता, कोई नहीं करता। पार्षद जी तो ये कहते हैं कि हम डेली काम कराते हैं, डेली कूड़ा उठवाते हैं। अब आप अपनी आंखों से देख लो, अब ये कूड़ा है क्या, ये भरा पड़ा सारा, बताइए बाबू। हाँ, और फिर रात को जीना हराम हुआ रहे, बताओ कहाँ जाएं अब हम।
तो मतलब इसका मतलब 15 साल से शोएब दानिश कौंसलर है, उन्होंने कुछ नहीं किया? पहले नहीं था, अब ये ज्यादा से ज्यादा 6-7 महीना से ज्यादा हो रहा है। और ज्यादा हो रहा है? हाँ, पहले तो सफाई होती थी, अब 8-7 महीना से ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे क्या आपको क्या लगता है कि कूड़ा यहाँ पे जो लगातार बढ़ रहा है? कूड़ा तो डेली उठता है यहाँ पे, लेकिन एरिया बड़ा है उसकी वजह से कूड़ा बाहर आ जाता है, डेली कूड़ा उठता है, कोई ऐसी बात नहीं, नहीं उठता। कितनी गाड़ियाँ लगती है कूड़ा उठाने में यहाँ पे? तो 3 गाड़ियाँ तो लगी जाती है, 3 गाड़ियाँ, 3 या 4 गाड़ी। जब इलाका बड़ा है, इतना बड़ा कूड़े का ढेर है, तो 2-3 गाड़ियों में काम हो जाता है? अब ये फ्री तो नहीं हो जाता, क्या करें, सब इलाके का कूड़ा है, सब इलाके का कूड़ा, पूरे इलाके का कूड़ा है, इधर उधर का सभी इसी जगह का कूड़ा है। आप देख रहे हैं कि इलाका काफ़ी बड़ा है और कूड़ेदान एक है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि कूड़ेदान एक है। 15 साल से शोएब दानिश कांग्रेस के पार्षद हैं यहाँ पर, कूड़ेदान बनाने के नाम पर कई बार वोट तो लिए गए लेकिन कूड़ेदान अभी तक नहीं बना। ये बाबा हैं, इनकी तबीयत ख़राब इस वजह से हुई, जो इनका कहना है कि यहाँ पर कूड़ा सूंघ सूंघ के उसकी स्मेल की वजह से ये तबीयत ख़राब है। और ये अकेले नहीं है, इनके जैसे सैकड़ों लोग ऐसे जो बुज़ुर्ग हैं यहाँ पर, उनकी तबीयत ख़राब होने की भी मेन वजह है कि जाहिर सी बात है घर के नीचे ये सब बिल्डिंगें आप देख रहे हैं, इनके घर के नीचे अगर कूड़ा होगा, गंदगी का अंबार होगा, तो उसका खामियाजा आखिरकार जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, उम्रदराज लोग हैं, उनको ही भुगतना पड़ेगा। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर खुद कूड़ेदान के बगल में MCD का ऑफिस है और उसी के बगल में ही ये कूड़ेदान पूरी तरीके से अभी सड़ रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ हमारा भी खड़ा होना मुश्किल हुआ पड़ा है। सड़कों का इंक्रोचमेंट किस तरीके से है वो आप देख सकते हैं। MCD चलान तो काटती है लेकिन साफ सफाई और कूड़ा उठाने के नाम पे यहाँ फिलहाल जीरो नज़र आ रही है। पार्षद शोएब दानिश ज़रूर हैं 15 साल से, लेकिन कितना काम हुआ उसकी वानगी, उसकी तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं। और तस्वीर आपके सामने है, क्या कुछ कहें समझ नहीं आता इस वजह से क्योंकि सीवर लाइन के ऊपर पूरा मलबा पड़ा है, MCD की दीवार है, मगर MCD अपने ऑफिस के बगल का एरिया जब नहीं साफ कर सकती तो आप इलाके को कितना साफ करेगी, इसका अंदाज़ा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। स्मेल की वजह से तो यहाँ कस्टमर नहीं आते, लोग निकलते नहीं हैं, रास्ता बदल के निकलते हैं, इधर से इतना कूड़ा फैला रहता है और सैटरडे संडे तो इतना रोड तक कूड़ा फैल जाता है। इसकी शिकायत आपने पार्षद से या किसी से की? इसकी शिकायत हमेशा करते रहते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है, बस कंप्लेन होती है, काम कुछ नहीं होता है। MCD में काम होता कहाँ है सिर्फ। इस बार क्या मूड क्या है जनता का, इस बार किसको लेके आने का इरादा है? नहीं, जनता तो ये चाहेगी जो काम करे वो आए, लेकिन काम तो हो नहीं रहा है, BJP के टाइम में कोई काम नहीं हो रहा है। MCD में पिछले 15 सालों से काम होगा रहा है, आप देख रहे हैं जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। पार्षद की भी तो जिम्मेदारी है ना कि यहाँ से कूड़ा साफ सफाई सीवर सफाई ये तो कराएं, वो आपके लोकल हैं, उन्होंने करवाया यहाँ पे काम किया उन्होंने? नहीं, काम तो करते हैं लेकिन मसला ये है ना कि जब काम इतनी स्पीड से नहीं होता जितनी स्पीड से होना चाहिए, रोड तक कूड़ा साफ नहीं होता। इस बार चुनाव में क्या मूड है अभी देखते हैं कंडीशन क्या रहेगी, लेकिन BJP काम नहीं कर रही है MCD में। मेन तो BJP को काम करना चाहिए, जब पैसा फंड करेगी पीछे से फंड देगी तो काम होगा। पार्षद तो तभी काम करेगा जब पीछे से फंड आएंगे उसके लिए, और काम तभी होता है जब पैसा होता है। लेकिन पैसा साफ सफाई के लिए कोई BJP उसका होते फंड का और काम के लिए, फंड के लिए आप बात कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे MCD के कर्मचारी हैं, जो झाड़ू लगाने वाले हैं, जो कूड़ा उठाने वाले हैं, वो आते हैं, वो तो पार्षद की जिम्मेदारी है ना उसमें। देखिए, मैं किसी पार्टी को नहीं फेवर कर रहा हूँ, ना मैं किसी पार्टी की बात कर रहा हूँ, बट स्थानीय मुद्दे तो आपके और आपके काउंसलर के बीच के हैं। नहीं, काउंसलर के मुद्दे हैं लेकिन मसला ये है ना कि काम कर्मचारी आएंगे तो काम होगा, लेकिन सैटरडे संडे तो यहाँ रोड तक कूड़ा फैल जाता है, उसे पार्षद कह ही तो सकता है, करा ही तो सकता है, लेकिन जब आएंगे नहीं सैटरडे संडे तो छुट्टी हो जाती है, इतना रोड तक कूड़ा इसको साइड किया जाए, इसके लिए 4 दीवारी की जाए, कूड़े का इंतजाम किया जाए बढ़िया से, तो ये कूड़ा रोड तक ना फैले, इसके लिए दीवार हो या अंदर कूड़ा रहे उसके, या डस्टबिन रखे जाए बड़े बड़े, उसको रोज डेली सफाई हो, तो वो नहीं होती है। हाँ, सारी दुनिया की बात कर ले, कल धूप हमारे खिलाफ थी, आज धूप हमारे माफी के, और ये सारी दुनिया का जितना भी अंदाज लगाना इसी लफ्ज पर लग जाएगा। बिल्कुल, वो अंदाजा लग रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मूड क्या है इस बार चुनाव MCD का, क्या मूड लग रहा है? तो तुम अभी तो तुमने फिर इस बात को समझी नहीं बने कहा कि नहीं मुद्दों की बात, नहीं मुद्दों की क्या बात, मुद्दा ही आ गया इसमें, मुद्दा का इधर मुद्दा है, वो ये हकीकत है, अगर इस बात को तुम कहीं भी पहुँचाओगे उस पर वही बात आ गई, वही एक निकला मुद्दा, क्या निकलेगा कि सारी दुनिया देख रही खल्क की आवाज़ नकारे खुदा होती है, खल्क की आवाज़ क्या, खल्क की आवाज़, हाँ हाँ बस अब ये देख लेना कि ये इसमें लफ्ज़ में क्या बात आई हो।
चलो। चुनावी लहर में आखिर किसकी बनेगी सरकार और कौन किसके सर सजेगा ताज? चाय की दुकान से बेहतर राजनीति कहीं अमूमन नहीं होती है, नहीं देखने को मिलती है। आपको क्या लगता है इस बार क्या एमसीडी में, इस वार्ड में खासकर क्या कौन आएगा? उतना तो मुझे आइडिया नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार पतंग के कुछ ज़्यादा चांसेस हैं। पतंग के चांसेस MIM के। अच्छा, साफ सफाई होती है, कूड़ा वगैरह उठता है यहाँ पर? साफ़ सफाई होती है, मतलब एवरेज कह सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है ना बहुत ही ख़राब है। बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं है अभी साफ सफाई का? बहुत ज़्यादा तो नहीं है उतना, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं गलियों में जाकर के कितनी गंदगी रहती है। बाकी कभी कभार आपको झाड़ू लगाने वाले कूड़ा उठाने वाले दिख जाएंगे कभी कभार। कभी कभार की वजह से इलाके में किस तरीके के हालात हैं वो जानने होते हैं। आप लोग भी हैं लोकल ही हैं? ओके, यहाँ साफ सफाई होती है, कूड़ा वगैरह उठता है? हम तो लोकल नहीं, हम तो घूमने आए। क्या लग रहा है, अगर घूमने भी आए तो आपने ऑब्जर्व किया ना साफ सफाई का? हाँ, साफ सफाई कहाँ दिख रही है? आप अगर जो देखेंगे तो साफ सफाई कहाँ दिखेगी, पूरा गली मोहल्ला सब गंदा ही पड़ा हुआ है, साफ सफाई तो ऐसा कुछ है नहीं। बाकी उधर पीछे के अगर उधर 20 फुट के साइड चले जाएंगे तो उधर तो और गंदगी है। बाकी इधर तो फिलहाल ठीक है थोड़ा सा रोड, लेकिन उधर के साइड बहुत गंदगी है। हाँ, मेन रोड है, शायद इस वजह से भी हो सकता है, बाकी उधर तो गंदगी। हाँ, कूड़ा फेंकने का टाइम नहीं, अगर जो आप वहाँ चले जाएंगे तो इतनी गंदगी आती है वहाँ खड़े होने लायक नहीं। इस बार मूड क्या है वैसे इस वार्ड के लिए? इस वार्ड के लिए भी कुछ ऐसा खास है नहीं, पलटता ही रह रहा है लोगों का, बट देखिए शायद आम आदमी पार्टी शायद। पब्लिक का मूड जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं ओखला के मेन बाजार में। यहाँ पर ये इलाका लगभग जो हमारी नॉलेज के हिसाब से वो 50 साल से ज़्यादा का पुराना इलाका है। 15 साल से शुएब दानिश यहाँ पर काउंसलर हैं। किस तरीके के मुद्दे हैं और क्या यहाँ पर उनका काम होता है या नहीं, हम जानने की कोशिश करेंगे यहीं के स्थानीय लोगों से। आपको क्या लगता है 15 साल से शुएब दानिश यहाँ काउंसलर है, काम हुआ है यहाँ पर? शुएब दानिश के यहाँ पर नहीं थे, यहाँ पर पहले वो थे दूसरे, शुएब दानिश का तो अब पढ़ा ही है, अब इलाका आया है इसमें। काम हुआ है यहाँ पे पहले या नहीं हुआ है? अब होगा काम, जब शुएब दानिश आया तो काम करेंगे वो। करेंगे जी हाँ। मुद्दे क्या क्या है यहाँ पर? सफाई होती है, कूड़ा उठता है, नाला सीवर वगैरह साफ होता है? यहाँ पे बरसात में पानी भर जाता है, मेन मुद्दा वही है, पानी भर जाता है जी हाँ। ये अमूमन ये सड़क मेन रोड है, बीच मेन बाजार ओखला का लगता है, ये मेन सड़क आती है, यहाँ सीवर का पानी वैसे भर जाता है? नहीं, सीवर का तो नहीं भरता, लेकिन क्या मैं बरसात का पानी भर जाता है। मतलब इसका मतलब निकासी सफाई नहीं होती तभी पानी भरता है यहाँ पे? नहीं, शुरू से ही भरता है जी, बरसात का तो पानी शुरू से ही जी हाँ। तो इसके लिए कोई अभी काम नहीं किया गया कि यहाँ पानी ना भरे, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से भर रहा है? अब ये तो सर यही बता सकते हैं कि पानी रुकेगा नहीं रुकेगा। आप लोगों के मेन मुद्दे क्या हैं, मतलब यहाँ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? हमारा एक मेन मुद्दा सिर्फ ये है रास्ते का, ये रास्ता खुलना चाहिए सामने का, इसकी वजह से पूरी मार्केट बंद पड़ी हुई है। पब्लिक का मूड जानते जानते हम पहुँचे हैं बटला हाउस चौक पर, कब्रिस्तान का खलीला मस्जिद का ये रोड सबसे ज़्यादा व्यस्त रोड है। सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखा दूँ, ये मेन रोड है जो जामिया नगर से होके जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से होता हुआ ओखला कालिनी कुंज की तरफ जाता है, सबसे ज़्यादा व्यस्त ये रोड है। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि डिवाइडर लगा है, कई लोगों की शिकायत इस बात को लेकर थी कि विधायक साहब ने यहाँ डिवाइडर लगाया, लेकिन इसकी वजह से जो बाजार है वो कट गया। भाई हालात तो जो थे सब कोई महमूद की तरफ हालात थे, अब जो महमूद के साथ धोखा हुआ, अब जो बना है प्लान तो अब तो सब कांग्रेस की तरफ है कि शुएब दानिश ही यहाँ से लिख लेंगे। अगर महमूद होता तो टक्कर होती दोनों की, और बहुत अच्छे वोटों से बहुत अच्छे मार्जिन से जीतता है। इन्होंने जो गद्दारी करी है महमूद के साथ पार्टी ने, वो बहुत बड़ी गद्दारी करी है, इनको खामियाना भरना पड़ेगा, बहुत बड़ा नुकसान है, ये खामियाना भरना पड़ेगा उन्हें। और पता चलेगा उन्हें कि महमूद कैसा जुड़ा हुआ था ज़मीन से, ये तो जब ही पता चलेगा ना जब आप टक्कर होगी, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी गद्दारी करी है। क्या लग रहा है यहाँ पर इस बार माहौल, मूड क्या है जनता का? मूड जनता का ये है क्योंकि यहाँ MLA हो काउंसलर हो सब बेकार है, इसलिए बेकार है जहाँ की कमाई है ये लोग वहाँ काम करते हैं, जहाँ कमाई नहीं है वहाँ कुछ नहीं करते। जामिया मेट्रो से ओखला हेड तक इस पूरे गांव का कट बंद कर रखा है, क्यों बंद कर रखा है? इस कट में के इंसान नहीं रहते, ये इसलिए कट बंद कर रखा है, अंदर कोई फुटपाथ नहीं लगती, नहीं लगती तो कमाई नहीं होती, कमाई बटलो से MCD काउंसलर MLA सभी हैं इसमें। आप मुझे एक बार बता दो फुटपाथ लगते किसकी वजह से लग रही है, कौन जिम्मेदार है? आप कहते हो कारोबार नहीं है पब्लिक के पास, रोड घेर के कारोबार करेंगे आप क्या? शाहीन बाग अबू फजल दोनों तरफ आप देख लो क्या कंडीशन है रोड की, एम्बुलेंस नहीं निकल सकती यहाँ से, क्यों नहीं निकलती? ये MLA है और कौन है?
एमएलए है ना, क्यों क्यों बंद करा, क्या अंदर आबादी नहीं है क्या? सबसे पुराना गांव है ये, और इसी का ही इसी को ही ब्लॉक कर दिया। क्यों कर दिया ब्लॉक? जाओ तो बेइज्जती करके भगा देता गांव वालों की, कि जाओ मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं खोलूँगा। जब आप खोल नहीं सकते तो आपने बंद क्यों कर? कोई नहीं कराता, सब। तो आपने देखा जाकिर नगर वार्ड नंबर 188 के क्या है हालात, कितना हुआ है काम, और जनता कितनी है नाराज और कितनी है खुश। क्या 15 साल का भरोसा एक बार फिर कायम रहेगा, या इस बार नए चेहरे की एंट्री वार्ड नंबर 188 में होगी? मुद्दे कई सारे थे, जनता ने अपनी राय बेबाकी से रखी, और क्या क्या उनको समस्याएं हैं उन सब चीज़ों पर हमने पूरी तरीके से फोकस भी किया। कूड़े का ढेर हो या फिर नालियाँ या सीवर की सफाई का मुद्दा हो, आम जनता परेशान है। पार्षद साहब 15 साल से ज़रूर हैं, लेकिन उसके बाद काम कितना हुआ, जनता की राय आपके सामने है। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में एक दूसरे वार्ड में पहुंचेंगे, वहां भी जानेंगे मूड पब्लिक का। वीडियो जर्नलिस्ट वसीम के साथ सैयद मुबशिर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।